बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरुद्दीन रोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। एक बार फिर से भीम आर्मी के प्रमुख नेता उपकार बावरा को पुलिस ने जमानत दे दी है। पिछले दिनों सबसे पहले खबर आपने एपीवी न्यूज पर देखी थी, उपकार बावरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गंभीर धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन आज उपकार बावरा की टीम के जो कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, उनकी तरफ से आधिकारिक जानकारी ये दे दी गई है कि उपकार बावरा को रिहाई मिल चुकी है और उपकार बावरा जेल से रिहा हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की जिला अस्पताल के अंदर कुछ लोगों को पीटने के बाद घायल करवाया गया था। उसी मामले को लेकर उपकार बावरा अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने घायल लोगों का उचित उपचार करने की मांग अस्पताल प्रशासन से की थी और उसके चलते अस्पताल प्रशासन ने उपकार बावरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसके चलते उपकार बावरा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। और उसके बाद आज उपकार बावरा को जमानत मिलने की खबर सामने आ रही है और इसको लेकर भीम आर्मी के जो प्रमुख कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि उपकार बावरा को रिहा कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर, उपकार बावरा भीम आर्मी रजिस्टर के प्रमुख नेता है और उनको मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में अभद्रता और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करने जैसे मामलों के अंदर गिरफ्तार किया गया था, जिसके अंदर महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन जैसे बड़े कानून लगाकर भी उनको अरेस्ट किया गया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप एवी न्यूज के साथ देख रहे हैं, उपकार बावरा को जमानत मिल चुकी है। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो